हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ऑटो नंबर के बारे में जानेंगे आज हम, ऑटो नंबर को किस तरीके से यूज किया जाए। हालांकि कई वीडियो पहले भी मैंने बनाई है इस पे, आइए चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ऑटो नंबर के ऊपर डिस्कशन करते हैं, देखते हैं ऑटो नंबर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे यूज होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 मैंने ओपन किया, तो यहां पे देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको चाबी सी जो दिख रही है, इसका मतलब है ये प्राइमरी की है। यहां पे ले जाने पे कर्सर आपको प्राइमरी की भी दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है दिस फील्ड इज पार्ट ऑफ द टेबल्स प्राइमरी की, यानी कि ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा आपको, ये भी चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है ना। अब यहां पर हमने ऑटो नंबर रखा है, और जैसे ही ऑटो नंबर पे जाते हैं तो नीचे ये फील्ड प्रॉपर्टी ओपन होती है। अब इस फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ फील्ड साइज पे जाएंगे तो ये लॉन्ग इंटीजर आपको दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे रेप्लीकेशन आईडी दिखाई पड़ रही है, देख रहे हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, यहां पे आते हैं इंक्रीमेंट पे। यहां पे आपको इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है और नीचे इंडेक्स में दिखाई दे रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो यहां से अगर आप जाएंगे तो यहां पे रैंडम नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, रैंडम। ये रैंडम और रैंडम रेंज और इस तरह के फॉर्मूले, देखिए सी प्लस प्लस में और पाइथन में रैंडम हम लोग देख चुके हैं, पाइथन के अंदर रैंडम मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट कराते हैं, उसका क्या फायदा होता है, ऐसा ही एक फॉर्मूला आपने एक्सेल में भी देखा होगा, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम रैंडम कर देते हैं तब क्या होगा, और अगर यहां इंक्रीमेंट रहने देते हैं तब क्या होगा। तो चलिए एक बार इंक्रीमेंट रह करके और यहां से व्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, देख रहे हैं। इसमें एक और फील्ड में डाल देता हूं यहां पर आकर के, जैसे यहां पे लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो इस तरीके से नेम ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया, यहां पे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे। और इसका डेटा टाइप यहां पे देखिए टेक्स्ट रखा है, इसमें बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिलते हैं, तो फिलहाल यहां पे टेक्स्ट रखते हैं। और अब इसको यहां से क्लिक करके और यहां से यस कर देते हैं, जैसे यस करेंगे तो अब यहां पे देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट आ रहा है, यहां पे स्टूडेंट का आप नाम लिखते जाइए, यहां पे नंबर ऑटोमेटिक आता जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे इस तरीके से लिखिए और नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाएगा 1, 2, 3 के फॉर्म में। लेकिन लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर मैं इसको डिजाइन व्यू पे लेकर के वापस जाता हूं, ऑटो नंबर वाले डेटा टाइप पे क्लिक कर देते हैं, यहां पे यही पे कर्सर हमारा है, यहां से अगर मैं चेंज करता हूं, जो मैं बात कर रहा था ये जो न्यू वैल्यू वाला आपको फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, वहां पर आकर के यहां से अगर मैं इसको रैंडम कर देता हूं तो बिल्कुल वही फंक्शन परफॉर्म करेगा ये जो आपका पाइथन में हो रहा था। पाइथन में भी रैंडमली वो कहीं से भी नंबर जनरेट करके दे दे रहा था, और यहां पर भी वही होने वाला है। तो चलिए यहां पर इसको यस कर देते हैं और अब यहां पर आते हैं, तो यहां पर कोई नाम मैं टाइप करता हूं, तो एक नाम और टाइप किया और यहां पर देख सकते हैं ये रैंडम नंबर है। रैंडम कैसा नंबर है, रैंडम नंबर, देखिए यहां पर रैंडमली ये आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर एक और नाम लिख देता हूं मोनू, ठीक है। तो ये भी देखिए यहां पे रैंडम नंबर अलग अलग आएगा, हर बार रैंडम आएगा, समझ रहे बात को। यहां पे एक और उमेश लिख देते हैं, कुछ भी ऐसे नाम लिखता चलता हूं। तो ये देखिए ये माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव में भी आएगा नेगेटिव में भी। रैंडम का मतलब इधर उधर कहीं से भी जहां से मन करे उठा के जो नंबर चाहिए वो ये दे सकता है, रैंडम इसी तरीके से काम करता है, समझ में आ रही है बात। अब इसमें थोड़ा सा हम आते हैं नीचे, यहां पे क्लिक करते हैं व्यू पे और वापस से आ जाते हैं डिजाइन व्यू पे। डिजाइन व्यू पे आ गए, यहां पर आपको लॉन्ग इंटीजर भी दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं लॉन्ग इंटीजर से हटा करके इसे रिप्लिकेशन आईडी कर देता हूं, रिप्लिकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट, समझिएगा, रिप्लिकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट। तो अगर मैं इसको रिप्लिकेशन आईडी कर देता हूं, यहां से रिप्लिकेट कर देता हूं रिप्लिकेट आईडी, तो कह रहा है वंस यू सेव द चेंजेस टू द डाटा टाइप ऑफ दिस कॉलम यू विल नॉट बी एबल टू चेंज बैक टू द प्रीवियस डेटा टाइप। अगर आपने ये कर दिया तो प्रीवियस डेटा टाइप में आप जा नहीं पाएंगे। तो चलिए कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये कर दिया हमने और यहां से व्यू पे क्लिक किया और यहां से जाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये देखिए ये कुछ ये फॉर्मेट बनेगा, ये देख सकते हैं ना, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ और लिखता हूं, यहां पर लिख दिया गौरव, तो यहां पर देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा, देख रहे हैं, रिप्लीकेशन आई डी, समझ रहे बात को। अब ये आ गया, अब यहां पे देखिए यहां पे एक और नाम लिखता हूं, जैसे विकास लिख देता हूं, तो ये लिख दिया। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पे हर, अब देखिए ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको कि ये कैसे कैसे काम करेगा, तो जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक और नाम लिख देता हूं बबलू, तो ये देखिए यहां पर ये इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप है, ऑटो नंबर को आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, उसका लिंक ऊपर मैं दे दूंगा एंड स्क्रीन नोटेशन में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना।